शिवपुरी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिले वरिष्ठ समाजसेवी भूपेंद्र सिंह रावत। शिवपुरी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की मांग को लेकर बीते रोज वरिष्ठ समाजसेवी एवं आईएमसी संस्था के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह रावत ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को बताया कि शिवपुरी जिले के पड़ोरा में वर्ष 2017 में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी। इसके लिए 881.69 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी, लेकिन 2017 से शिवपुरी में स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। भूपेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शिवपुरी में इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना होने से क्षेत्र के विकास को नई उड़ान मिलेगी और आसपास के ग्रामीणों एवं शहरी युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भूपेंद्र सिंह रावत को आश्वासन दिया कि मैं शिवपुरी आकर इस विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा।